नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी बच्चों के केवीएस से रिलेटेड क्वेरी थी कि सर क्या जो जेएसए की वैकेंसी है जो पहले एलडीसी के नाम से जानी जाती थी, क्या इसमें जो टाइपिंग होगी इंग्लिश हिंदी दोनों में देनी है, टाइपिंग फॉन्ट क्या होगा, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, इन सभी क्वेरी का जवाब देने में आपके सामने आया हूं। और भी इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपको समस्या हो इस वीडियो के कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपके केवीएस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो पीआरटी से हो चाहे आपको जेएसए से हो, उसकी फुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे बड़ी एक जरूरी बात मैं आपसे बोल दूं कि टीम परीक्षा प्लस आपका केवीएस का पीआरटी बैच पूरा निःशुल्क कर रही है। तो जिन्हें भी तैयारी करना है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जिन्हें नॉन टीचिंग की तैयारी करनी है जैसे आपका जेएसए, आप जेएसए की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आज से ही लग जाओ, क्योंकि मात्र सिर्फ आपके पास 60 दिन बचे हैं। तो टीम परीक्षा प्लस के द्वारा जेएसए का एक डेडिकेटेड बैच चलाया जा रहा है। जेएसए में आपको जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा, आपको पूरा क्लासेस दी जाएगी, आपकी टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, पूरा एक संपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। और अभी उस बैच का जो बोले मैं कि जो प्राइस है वो ओवरऑल 499 है, 499 है ऑफर प्राइस है, 2000 का बैच है। जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी क्लासेस आपको 8 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, 8 दिसंबर से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें एडमिशन जिसको भी लेना है वो परीक्षा प्लस ऐप के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑफर सिर्फ मंडे तक है, परीक्षा प्लस ऐप, और ये उन बच्चों के लिए जो हमसे ऑलरेडी पहले ना कहीं जुड़े हैं। ये 499 में आपको पूरी क्लास, 10 टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ नोट्स, आपको डेडिकेटेड गाइडलाइंस की कैसे तैयारी करनी है इतने कम दिनों में, ये सब कुछ, क्योंकि डेडिकेटेड है पूरा बैच। तो ये आपको परीक्षा प्लस ऐप के थ्रू, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये बैच आपसे मैं बता दूं मंडे से चलेगा, एकदम निश्चिंत रहो, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि कंप्यूटर का वेटेज थोड़ा है, क्योंकि लास्ट जब सेकेंड फेज में जाओगे तो वहां 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ठीक है, और वो 40 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, ठीक। चलो उसके बारे में डिटेल कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। अभी जो आपके प्रश्न है उन पे हम आ जाते हैं कि क्या इंग्लिश हिंदी टाइपिंग में क्या हमें दोनों टाइपिंग आना जरूरी है, ये सवाल काफी बच्चों के थे कमेंट में। तो ये बच्चों देखो कि आपके जो नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी डिपिक्ट नहीं किया है कि आपको बोथ टाइपिंग आना जरूरी है। अगर बोथ होता तो यहां पे और की जगह एंड लगाता और नहीं लगाता, या तो आप इंग्लिश कर सकते हो या आप हिंदी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर चॉइस, ठीक है। आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि क्या आपके आपको कौन सी टाइपिंग आती है। आपको हिंदी आती है, हिंदी के साथ सहज हो तो हिंदी की टाइपिंग करो। अब दूसरा क्वेश्चन ये आपका बनता है कि सर फॉन्ट क्या रहेगा। मैक्सिमम बच्चे आप लोग देखते हो सेंट्रल में आपका फॉन्ट जो है दो ही चलता है, एक आपका मंगल इंस्क्रिप्ट चलता है, क्योंकि कोई कह रहा है सर कृति देव चलेगा, तो कृति देव जो है आपका नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपका स्टेट स्पेसिफाइड हो जाता है। मंगल इंस्क्रिप्ट आपका चलेगा या रेमिंगटन गेल, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये फॉन्ट आपका होगा। तो अब आप लोग जान लो कि मंगल फॉन्ट में मैक्सिमम बच्चे मंगल इंस्क्रिप्ट में टाइपिंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है, ठीक है। वो लोग अपना हिंदी चूज कर सकते हैं जिनको इंग्लिश नहीं टाइपिंग आती, और जिनको इंग्लिश आती है तो उसका फॉन्ट का इसमें कोई लफड़ा नहीं है, इसमें इंग्लिश में फॉन्ट का कोई लफड़ा नहीं होता, आपका जो दे दिया गया उसी में टाइप करना है आपका। उसके बाद से जो प्रश्न है टाइपिंग वाला कि एज लिमिट में क्या रिलैक्सेशन है, कब से एज काउंट किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब आपका एज जो है इसमें आपके नोटिफिकेशन के लास्ट डेट से ही काउंट होगा। अभी इस पे कोई क्लियरेंस नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा, जैसे होगा मैं बता दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 27 साल है। एज रिलैक्सेशन में अगर एससी एसटी की बात किया जाए तो 5 साल जो सेंट्रल का चलता है, और ओबीसी में 3 साल जो सेंट्रल का है। अब यहां पे कुछ जो है वुमेन से रिलेटेड जो आपकी छूट मिली है 10 साल की, वो सिर्फ आपको कुछ ही पोस्ट पे है लिखा है, वुमेन पे पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन और पीआरटी पर ही आपको 10 साल की छूट है, नॉन टीचिंग में आपके जेएसए एसएससी में नहीं है, समझ रहे हैं। वुमेन्स की जो छूट है वो 10 साल की सिर्फ इन 1 2 3 4 पोस्ट पे है, पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन और पीआरटी में 10 साल की छूट है, बाकी किसी में नहीं है। इसमें आपके जेएसए में नहीं है, ये 27 साल ही रहेगा,
ठीक है, बाकी ओबीसी और एससी एसटी का चलेगा। ठीक, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन थे बच्चों के कि सर यहां पे जो फॉर्मेट होगा कास्ट सर्टिफिकेट का, उसका मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा और आपको कास्ट सर्टिफिकेट का एनेक्सर दिखा दूंगा कि प्रोफॉर्मा क्या रहेगा आपका सेंट्रल का। बच्चों ये गलती मत करना, आज भी फोन आया था कि सर मेरे पास स्टेट का है ये चल जाएगा कि नहीं, जब साफ साफ उसमें लिखा है कि आप इसके अकॉर्डिंग बनवा लो तो आप बनवा लो, अभी समय है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो सेंट्रल के अकॉर्डिंग बनवा लो, किसके अकॉर्डिंग, सेंट्रल में जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट चलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए और फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इस वैकेंसी में आपको बैठना है और पूरा सिलेक्शन लेना है, तो ये आपके प्रश्न के जवाब रहे। यदि इसके अलावा भी आपके कोई और प्रश्न है, टाइपिंग वाला फंडा क्लियर हो गया कि आपको इंग्लिश आती तो इंग्लिश में करो, हिंदी आती तो हिंदी में करो, दोनों करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉन्ट आपका मंगल है या रेमिंगटन गेल है, इनमें से आप कोई भी में टाइपिंग दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद से स्किल टेस्ट में एक चीज और भी है। बच्चे बोले सर ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, सीपीटी क्या है और 100 में 40 नंबर लाना है, ये आपका एक तरह से बोल सकते हो प्रैक्टिकल टेस्ट है। क्या है, प्रैक्टिकल टेस्ट है। इसमें आपको कुछ भी एक्सेल दे दिया जाए, पावर पॉइंट दे दिया जाए, उससे आपको पूरा उसमें कह दे कि एक स्लाइड बना के दिखाओ, एक पीपीटी बना के दिखाओ आपसे एग्जामिनर, तो आप जब उसकी वर्किंग को जानोगे, एज ए वर्किंग प्रैक्टिकल टेस्ट है, तो वो उससे रिलेटेड इस पे मैं वीडियो आपको बना दूंगा कि कैसे आपका सीपीटी टेस्ट होता है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और भी जो क्वेरी है आपके, जो प्रश्न है, वो आपने प्रश्न जो है ड्रॉप आउट कर दीजिए कमेंट में, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों की जो है समस्या जो है आपका उसका समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।